सीट का मतलब बैठना नहीं होता और माँ का मतलब मम्मी नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि इससे पहले मैं बहुत कुछ एडवांस पढ़ा चुका हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल पे जाके देख लीजिएगा इंग्लिश बाय एनके शाही, और एक बार नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा चैनल पे जाके, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं इस चैनल पे बेसिक से लेकर एडवांस्ड बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वर्ड मीनिंग का पार्ट हो। तो स्टे कनेक्टेड। चलिए आज का टॉपिक देखते क्या है। जैसा कि हेडिंग है एडवांस वर्ड्स, हालांकि मैं इसे पहले ही आपको एक नजरिया दे चुका हूं कि इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करें तो ज्यादा बेहतर होगा और आप चीजों को आसानी से समझ भी पाएंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज अपलोड करे थे, गो का मतलब जाना नहीं होता है, प्ले का मतलब खेलना नहीं होता है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर जाकर इंग्लिश और इनके साथ देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको एडवांस्ड सीखने को मिलेगा हर वीडियोज में। चलिए देखते हैं। सीट का मतलब बचपन से हमने पढ़ा है बैठना होता है, माना कि सीट का मतलब बैठना होता है, पर हमेशा सीट का मतलब बैठना नहीं होता है। टीचर के कहे हुए शब्द और किताबों के कहे हुए रूल रेगुलेशन से भाषा नहीं चलता है, भाषा लोगों के हिसाब से चलता है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को यूज करा रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सीट का मतलब बैठना है, ही सिटिंग ऑन द चेयर, पर मुझे अगर बैठाने के सेंस में यूज करना है तो मैं क्या करूंगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप सेंटेंस में उसे बिहेव कैसे करा रहे हैं, ना कि रूल आपने रट्टा मार लिया डिक्शनरी से जाके और टीचर के कहे हुए शब्दों से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक आप उसे सेंटेंस में प्लेस्ड नहीं करवाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टीचर्स और किताबों के कहे हुए रूल रेगुलेशन नहीं चलते हैं भाषा में। भाषा में आप किस वर्ड को किस पार्ट से पीस के हिसाब से यूज करवा रहे हैं, क्या फंक्शन आप करवा रहे हैं, क्या नजरिया आप देना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करवाना चाह रहे हैं, वो मैटर करता है। तो एक अच्छे नजरिए के साथ, एक बहुत अच्छा नजरिए के हिसाब से मैं आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। सीट का मतलब हमेशा बैठना नहीं होता है, माना कि सीट का मतलब बैठना होता है, जैसे ही सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। गॉट इट? हालांकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की कहानी है, एडवांस्ड जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो इन चीजों को क्लियर कर पाऊंगा। और कोशिश कीजिएगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और मैं इन चीजों को डिटेल में ही शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जैसे सीट का मतलब बैठना है, ही सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है, लेकिन हमेशा सीट का मतलब बैठना नहीं होता। अगर मैंने किसी को बैठाना है तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सीट का मतलब बैठना तो होता है, लेकिन सीट का मतलब बैठाना भी होता है। जैसे आई सेट हिम ऑन द चेयर, मैंने उसे कुर्सी पर बैठा दिया। कोई अगर घर में गेस्ट आ गया तो क्या बोलेंगे, पापा आ गए, बोले कहां है गेस्ट, आप क्या बताएंगे, मैंने उन्हें कुर्सी पर या सोफा पर बैठा दिया। तो बैठाने के सेंस में भी आप सीट का यूज करा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ओपन है। ओपन का मतलब बचपन से हमने सीखा है खोलने के सेंस में होता है, जैसे ओपन, प्लीज ओपन द विंडो, कृपया विंडो खोल दीजिए। और ओपन का मतलब हमेशा विंडो नहीं खोलना नहीं होता है, कोई चीज खोलने के सेंस में नहीं होता है, जब तक उसका आप सेंटेंस में कैसे बिहेव नहीं करा रहे हैं, जब तक आप सेंटेंस नहीं बताएंगे उसका मीनिंग क्लियर आप नहीं करा सकते कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, ओपन का मतलब टू स्टार्ट भी होता है। जैसे ही ओपेंड द मीटिंग बाय वेलकमिंग एवरीवन, उसने सबको वेलकम करते हुए मीटिंग की शुरुआत की, मीटिंग उसने शुरू किया। जैसे नेक्स्ट वर्ड है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है मूड अपसेट कर देना, अनहैप्पी कर देना, डिसअपॉइंटेड कर देना, या वरीड चिंतित या परेशान कर देना, जो हम बचपन से सीखते आए हैं। पर एक अच्छे नजरिए से देखिए कि क्या अपसेट का मतलब हमेशा चिंता होना ही होता है, ऐसा नहीं है। आप इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, अपसेट का मतलब उलट जाना भी होता है। जैसे यू अपसेट अ कप ऑफ टी ऑल ओवर द टेबल क्लॉथ, आपने क्या किया, पूरी की पूरी टेबल पे आपने एक कप चाय जो आपके पास थी वो आपने पूरा का पूरा टेबल पे गिरा दिया, मतलब फैला दिया। तो गिराने के सेंस में, उलटने के सेंस में भी आप अपसेट का यूज कर सकते हैं। यू अपसेट अ कप ऑफ टी ऑल ओवर द टेबल क्लॉथ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे नजरिए के साथ मैं सिखा रहा हूं, और एक अच्छे नजरिए के साथ अगर आप भाषा को समझना चाहते हैं तो नजरिया बदलिए अपना। नेक्स्ट, मदर। मदर का मतलब माँ होता है, शी इज माई मदर, माना कि मदर का मतलब माँ होता है, पर हमेशा मदर का मतलब माँ नहीं होता है। आप जब तक सेंटेंस नहीं दिखाएंगे, सेंटेंस में किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज कर रहे हैं, तब तक उसका मीनिंग डिफाइन नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर खुद आके नहीं बता सकते कि मदर का मतलब मम्मी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेक्सपियर ने आगे बता दिया मदर का मतलब मम्मी होता है, शी इज माई मदर। नेक्स्ट रूल मैंने लिखा है, मदर का मतलब होता है माँ के समान ध्यान रखने वाला या कोई टेक केयर करने वाला। जैसे स्टॉप मदरिंग मी, आई एम एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मम्मी की तरह ध्यान रखना बंद करो, मैं अपना देखभाल खुद ही करने में सक्षम हूं या मैं कर सकता हूं। तो शेक्सपियर खुद भी नहीं बता सकते कि
कि मदर का मतलब क्या होता है, जब तक आप उसका सेंटेंस ना नहीं बताएंगे कि सेंटेंस में आपने उसे एज अ माँ के समान यूज किया है, एज अ ध्यान रखने के सेंस में आपने यूज किया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सेंटेंस में किस वर्ड को कैसे प्लेस करा रहे हैं। तो सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में आप किस नजरिए से यूज करवा रहे हैं, उस उन चीजों को उसके तरीके से समझना जरूरी है। नेक्स्ट शब्द, माना कि बुक का मतलब किताब होता है, पर हमेशा बुक का मतलब किताब नहीं होता है। जैसे एज ए नाउन दिस इज अ बुक, यह किताब है, पर बुक का मतलब अपराध के लिए नाम दर्ज करना भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ही वाज बुक्ड फॉर दिस क्राइम, उसे इस अपराध के लिए नाम दर्ज किया गया, मतलब उसका नाम इस अपराध के लिए उसका नाम लिया गया, उसका नाम बुक किया गया इस अपराध के लिए। बुक का मतलब आप टेबल बुक करने के लिए, सीट बुक करने के लिए, टिकट बुक करने के लिए, होटल बुक करने के लिए भी करते हैं। तो माना कि बुक का मतलब किताब होता है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम रट्टा मार ले बुक का मतलब किताब ही होता है। एक अच्छे नजरिए से देखिए इसको, भाषा की तरह देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करें। आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज करा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लर्न, बचपन से हमने सीखा है लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्निंग इंग्लिश, आप जो भी सीख रहे हैं किसी चीज को सीखने के लिए यूज करते हैं। लर्न का मतलब कुछ पता चलने के सेंस में भी होता है, जैसे आई एम सॉरी टू लर्न अबाउट हिज एक्सीडेंट, मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में जान के ना पता चल के बहुत बुरा लगा। तो क्या होगा, लर्न का मतलब पता चलने के सेंस में भी होता है और यूज होता है। अगर भरोसा ना हो तो आप ऑक्सफोर्ड एक बार वेबसाइट है उनके डिक्शनरी निकाल के चेक कर लीजिएगा, शायद मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ यू विल गेट द सेम थिंग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा किस वर्ड को किस नजरिए से यूज कर रहे हैं वो जानना बेहतर है, ना कि किताब और टीचर के कहे हुए रूल्स रट्टा मार लीजिए कि बुक का मतलब किताब होता है, मदर का मतलब मम्मी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस वर्ड को उस सेंटेंस में कैसे बिहेव करवा रहे हैं, किस पार्ट्स और पीस के हिसाब से फंक्शन करवा रहे हैं, उसका क्या बिहेवियर देना चाहते हैं, वो मैटर करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक अच्छे नजरिए के हिसाब से मैंने, हालांकि वर्ब मैं पूरी की पूरी ग्रामर एडवांस एक अच्छे नजरिए से पढ़ाने वाला हूँ चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। और कोशिश कीजिएगा पार्ट वन पार्ट टू के हिसाब से मैंने मार्क कर रखे हैं वीडियोस को, अकॉर्डिंगली जाके देखिएगा पार्ट वन पार्ट टू के हिसाब से, आपको बहुत कुछ उसमें नया सीखने को मिलेगा और मैं श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ आप नया उसमें जरूर सीखेंगे। गॉट इट? तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। या कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिस किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, किसी वर्ड्स में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए या दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्द हो सके आपके सवालों के जवाब दूँ। ओके, थैंक यू।